भाई नाम तो बताओ जो का कर रहे हो? नाम है दर्रा की जेब में जा रहे, कहो बैठ जाओ। चोरी खोई गई है? खोई गई है कि बात तुम्हारी ही ले जा। शुक्र करो देवी जी धर्मा तुम्हारा ज्यादा, नहीं तो तुम बता तो देती हूँ। तो अब जब ऐसे बीच बीच में उठोगे तो कथा का वो संबंध टूटेगा। कपिल मुनि कह रहे हैं माँ इस मन को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जितासनो जितास्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, चार काम जीव को सबसे पहले करने चाहिए। पहले क्या बोले? जितासनो, जिस आसन पर बैठो। आजकल क्या हमारा आसन, हम लोग ज्यादा देर एक आसन पर नहीं बैठ पाते, यही हमारी अधीरता है, चंचलता है। कथा में भी जाएंगे तो कभी यूं कर, कभी कई भाव महानुभाव तो व्यासपीठ की तरफ भी पाम करके बैठ जाते हैं। आए थे पुण्य कमाने, पाप कमा के ऐसे गए कि सीधे भगवान ने नरक में डाल दिए। हमने कहा भगवान हम तो कथा सुनने गए थे, कथा सुन रहा था बाबरे, व्यास जी की तरफ तुमने पैर कर लिए थे, भागवत जी की तरफ तुमने पैर कर लिए थे, पुण्य किया कि पाप? पुराने लोग जानते हैं पिताजी के सिराने नहीं बैठते कभी, दादा के सिराने नहीं बैठते, बैठते थे एक पड़ तो गाल पे जट नीचे आके आके सामने बैठते, कहा भयो? हाँ बोले नहीं अब सही सेटल चुके। तुम्हें ये नहीं पता किसके कहाँ बैठना चाहिए? बोले अब आगे समझ, सॉरी। आजकल बालगन में तो कोई थप्पड़ मार दे तो महाराज वो उल्टो कहा रिस्पॉन्स करें, भगवान ही मालिक है। जब हमारे चुप हुई बोले तो कम से कम प्यार प्यार से समझा दो, बेटा सिराने नहीं बैठते, बराबर नहीं बैठते, उनको बैठा दो। माँ सबसे पहले अपना आसन जीतो, फिर बोले अपनी श्वासों को अपने कंट्रोल में योग के द्वारा करो, उसके बाद पहले जित संग हो, ध्यान देंगे अपना संग सुधारो। जितने भी बिगड़े हुए हमारे जीवन के कर्म हैं वो हमारे संग ने बिगाड़े। जिन घरों में कभी प्याज लहसुन नहीं आता था आज उन घरों में लोग मदिरा पान कर रहे हैं, मीट ग्रहण कर रहे हैं, किस वजह से? बोले कुसंग की वजह से, उनका संग बिगड़ गया। आज अच्छा संग हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है और मिल भी जाए तो मन फॉलो नहीं करता है। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, मिल जाए तो फॉलो नहीं करेंगे। आज अच्छे संग को हम अच्छा संग मानते भी नहीं है। हमारे लिए आज के युग में अच्छा संघ क्या है? और पैसे कमाने का जो पाठ पढ़ा दे वही सबसे अच्छा संघ है। बुरा मत मानिए ना, पैसा तो उन पे भी होता है लेकिन सम्मान नहीं होता है, चरित्र नहीं होता। आप पैसे वाले बनिए लेकिन चरित्रवान बनिए, सम्मान नहीं बनिए, आदर नहीं बनिए, तब तो समझे कि तुम धनवान हो, अदरवाइज तुम में और उनमें ज्यादा अंतर नहीं। ऐसा धनवान किसी काम का नहीं, जीवन को ही दांव पे लगा दे उस धनवान का फायदा क्या? तो बोले इस मन को संग को अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, बुरे लोगों का नहीं। बुरे लोगों का संग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बुरे लोगों का संग नहीं करना, अच्छी बात। चौथी बात, जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो। हमेशा जो मन कहे चलो घूमा में तो नहीं घूमो, ये खा ले तो मत खाओ, ये देखना है मत देखो, ये सुनना है मत सुनो, ये छूना है मत छुओ, ये सूंघना है मत सूंघो। जो मन कहे बुरी चीजों को, मतलब ये मत खाओ मतलब उल्टी सीधी चीजें मत खाओ, ये मत देखो मतलब गंदे दृश्य मत देखो, ये मत सुनो मतलब गंदे गंदे गाने मत सुनो, ये मत छुओ जो तुम्हारे छूने योग्य नहीं है उसका स्पर्श मत करो, ये मत सुनो मतलब दुर्गंध को अपने अंदर मत जाने दो, अपनी इंद्रियों को जीतो। फिर क्या करना चाहिए? बोले सिर्फ कृष्ण नाम और कृष्ण कथा सुननी चाहिए, नेत्रों से बोले कृष्ण दर्शन करना चाहिए, वाणी से बोले गोविंद का नाम और राधे राधे। कितने धीरे बोलेंगे, और स्पर्श और संतों के चरणों को करें
अपने माता पिता के चरणों को करें, अपने बुजुर्गों के चरणों को करें और उनसे उनकी सेवा मांगें। यही जीवन का सत्संग है जो अच्छाई की तरफ जाता है। जब ये मन संतों के संग लग जाता है, बोले इस मन को संतों के संग में लगाओ, बोले उससे क्या मिलेगा, बोले उसी से सबसे बड़ा फल मिलेगा। बोले क्या, बोले जब ये संतों के संग में लगता है तो संत क्या करते हैं, बोले भगवान की कथा सुनाते हैं, और भगवान की कथा सुनाते फिर क्या होता है, बोले हमारा मन कथा में रमण करने लग जाता है, कथा के माध्यम से गोविंद में रमण करने लग जाता है। और जिस दिन ये गोविंद में अटक गया उस दिन बेड़ा, जब तक गोविंद में ना अटके, मैं तो कह रहा हूँ राम जी में अटकाना थोड़ा मुश्किल है, कृष्ण जी में तो बड़ी आसानी से अटक जाता है, उनका जो बीच का ढा है ना, ढा आधा ढा, कृष्ण बोलिए कैसे लिखोगे, कृष्ण के आर अडम किससे लिखा जाता है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है, आधा ढा है, सा नहीं आता, बड़ा जो ना खाली है ना वही है। अब उस नाम को लिखोगे कैसे, यू, पूरा यू लिखो ना, आधा कहां से लिखोगे, वो पूरा यू होगा तो वो ढा हो जाए, है ना। अब वो ढा जो है ये क्या है, ये कुंड वो है, घुंटी पहले होती थी, आजकल तो अलवारी आ गई, सब नाश पीक दो या नलवारी में सब धर दो या ही नहीं, पहले होती खुंटी, खुंटी समझ गए, खुंटी पे टांगने के लिए। और खुंटी भी जो टेढ़ी वाली होती थी, जो सीधी खुंटी है वहां पे दे तो कछु टांग दे गिरू सकत हो, पर टेढ़ी खुंटी पे कछु टांग दे परमानेंट टिके रहेगा गिरेगा नहीं। राम जी सीधे साधे ज्यादा कुछ नहीं कहते, पर ठाकुर जी कन्हैया में जिनको चित्ते वे टंगो कटको, जैसे कुआ मत ना बाल्टी खींचे तो ना कांटे में लगाए थे फिर गिरेगी नहीं, ठीक वैसे ही जिन जिन भक्तन को चित्त ठाकुर जी की वह खुंटी में उरज जाए फिर वो काऊ काम को नहीं, वो तो सिर्फ कन्हैया के ही काम। अब तो मैं मन कर रहा हूँ एक कथा सुनाए दूँ नरक छोड़ी दूँ, एक कथा सुनाऊँ बड़ी अच्छी से सुनाऊँ। एक कन्हैया के चेला ए संत है, कन्हैया को बिहार जी के वृंदावन में मानते बहुत ज़्यादा, तो सोची तीर्थ पर हमें अयोध्या गए, अयोध्या और अयोध्या में गए, अयोध्या में जाके वो हरे कृष्ण और हरे राधे कृष्ण ऐसे कर रहे थे, सरयू स्नान करके राम जी का दर्शन करने जा रहे थे। तो वहाँ अयोध्या में राम जी का चेला ज़्यादा है, तो राम जी के चेलों एक राम जी के भक्त थे, वे अयोध्या में आए, क्या तुम उस चोर का नाम लेते हो, संतों में भी कभी कभी मेरे राम पड़े कि तुम्हारे श्याम पड़े ऐसे हो जाती, क्या तुम अयोध्या में रह के कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, चोर का नाम मत लो। थोड़ा ब्रजवासी पना जगा उसका, अरे बाबा दर्शन कर रहे आए अयोध्या, बस बोल है मत, हम जो जा रहे हैं चुपचाप जा रहे हैं, हम जानते हम तो दिख चुके हैं, हम अपने आराध्य को नाम नहीं लेंगे। अरे वो क्या रखा है तुम्हारा आराध्य, तुमने बना रखा है टेढ़ा है, उसके पैर टेढ़े, उसका मुकुट टेढ़ा, उसकी लकुट टेढ़ी, उसकी बाड़ी टेढ़ी, उसका चरित्र टेढ़ा, क्या करोगे उस टेढ़े के चक्कर में पड़ के। अब तो महाराज अंदर से थोड़ा क्रोध, बाबा सुन रहा है बता रहा हूँ, वो दर्शन कर जानते राम जी के ना, तो तू धर रखते राम जी है, मैं जा रहा हूँ अपने ठाकुर जी के जोड़, कुल मिला के बात गई सुनी हो गई। वो गुस्से में बाबा वहां से आए, कहाँ से, अयोध्या से सीधे बिहार जी के मंदिर। अब बिहार जी तो कहते जे रहो तेरे भक्ति को सवरो लेवास, जे डर राख हम तो चले, हम तो सूदे ही बजेंगे, हमें ना भजनो टेढ़ो। पहले तो भगवान डायरेक्ट भक्तों से बातें करते थे, ये तो अभी कुछ समय से बंद कर दिया क्योंकि भक्त कुछ ज्यादा ही अच्छे हो गए ना, ये तो नेक देख तो ज्यादा गाते हैं ना, पहले पहले बहुत ज्यादा देखते थे कम गाते थे, अब तो कम देखते हैं ज्यादा गाते हैं, तो इसलिए भगवान ने कम कर दिया, और ठीक है। और जैसे ही संत जी चले बाबा पीछे पीछे बिहारी जी, ओ बाबा कहाँ जा रहे हो, बोले चुप रहे वहीं ठाड़े रहे, हम तो जा रहे हैं। अरे बताएंगे तो जा, कहाँ जा रहे हो, बोले कहूँ जाए तुम्हें आते मतलब, तुम तो टेढ़े बने रहे हो, ना तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता, ना तुम्हें हमारी इज्जत की चिंता, तुम्हारे चक्कर में हमारी और गई,
ऐसा कोई प्रेमी कह सकता? हर कोई तो नहीं कह सकता ना, वो भी ठाकुर से। अरे तुम्हारे चक्कर में हमारी भी गई, हम ना ऐसे डर रहा हूँ, हम तो चले। तो ठाकुर जी बोले जो बताया तो जा कहाँ रहो? बोले कहूँ जाऊँ तुम्हें कोई लेन देन हो? बोले अच्छा एक काम कर, सुन जा ही रहो तो कम से कम नवाए तो जा, स्नान तो करा जा। ठीक है तुम कह रहे हो तो। जट ठाकुर जी के कुआं पे मन लेज और बाल्टी धरी, लेज समझ गए ना, जो और सुनने बोला समझेंगे, लेज है तुम ही समझ लो, तो कछु बात समझ नहीं होना चाहिए, नहीं के मतलब की है। लेज और बाल्टी धरी और जट ठाकुर जी ने वो लेज बाल्टी जानबूझ के कुआं में छोड़ दे। अब ठाकुर जी ने लंबी सी सरिया लई और सरिया तक बाकी बहरी बाल्टी है निकाल। बाबा बोले वाह वाह, सबने काम टेढ़े, जहाँ टेढ़ो करना चाहिए वहां सुन दो, जहाँ टेढ़ो करना चाहिए वहां सुन दो। वैसे सबने टेढ़े, मुकुट टेढ़ो, लकुट टेढ़ी, भ्रकुटी टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, मुस्कान टेढ़ी, बाणी टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, सब टेढ़ो। यहाँ बाल्टी निकालेंगे वो सूदी, वाह धन्य, हटो पीछे हम निकालेंगे। कुछ तुम कैसे निकाल रहे हो? बोले हम निकाल लेंगे, हटो तुम बगैर चुनो, बस जय और ठाड़े रहो, भोग लगाओ ठाड़े रहो, दर्शन देव सवन में। ठीक, बाबा ने वो सरिया टेढ़ी करी, कन्या बोला का करो, सूदी सरिया टेढ़ी कर दी। अरे बस तुम रिंदे हो, कुआ में पड़ी भाई बाल्टी बिना टेढ़ी करे ना निकलेगी, तुम समझो वो निकारण दे। ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जब कुआ में गिरी वही बाल्टी को सरिया टेढ़ी करके निकालना पड़े तो ये अंधकूप में गिरे वही कलयुग के प्राणी के काज में टेढ़ो है गए। ये कलयुग के प्राणी अंधकूप में गिरे हुए भव सागर में डूबे हुए हैं, इनके कार्य जब तक मैं टेढ़ो नहीं होंगे तब तक ये बाहर नहीं आएंगे। हे प्यारे आगरावासी, निश्चित ठाकुर की वो लीला भी हम सब के लिए, न उसे माखन की जरूरत है न टेढ़ी वाणी की जरूरत है, उसे जो भी करना है वो सिर्फ भक्तन को मन भामतो गाई है, अपने भक्तों के लिए करता है। एक बार बोलो जोर से, बोलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है अपने मन को संतों के संग लगा दो तो क्या करेंगे, बोलिए तुम्हारा चित्त ठाकुर में लगा देंगे। अच्छा आज तीसरा दिन है कथा का, किस किस का मन लग रहा है कथा में और किस किस को ये फील होता है कि हमारा चित्त कथाओं के माध्यम से ही गोविंद तक गया, अभी या पहले कभी, पहले भी कथा सुनी होगी, बताओ किस किस का मन लगा कथाओं के माध्यम से भगवान। अब देखो इतने लोगों का लग गया है, लगा कि नहीं, तो अब इसका मतलब है इस मन को कथा में लगा के रखो, फिर क्या होगा, कथा के माध्यम से ये ठाकुर जी में लग जाएगा और ठाकुर जी में लग गया तो कुल भव सागर से मुक्ति निश्चित है। इसलिए अपना मन संतों के चरणों में लगा। अनेकों बातें और भी सुंदर प्रसंग सुनाए पर मैं यहां चाहूंगा कि थोड़ा सा कलयुग का भी वर्णन मैं करूं। वैसे कलयुग का वर्णन आगे है पर प्रसंग के अनुसार, क्रम के अनुसार तो आगे है, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत कलयुग के संदर्भ में हम लोग चर्चा करें, जिससे हमें ये पता चले कि जीव के किन कर्मों का पाप हमें, किन पापों की वजह से हमको नरक में जाना पड़ता है। बड़े ध्यान पूर्वक सुने, और कलयुग ये जो नरक है ये पृथ्वी से नीचे है, दक्षिण दिशा में, और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में किया गया है। कितने कितने, जोर से बोली, कौन कौन से नरक हैं जरा सुने। तामिश्र नामक नरक है,
जो मनुष्य पराये धन का हरण करता है, जो कि आजकल सभी लोग करते हैं मोस्टली, कुछ गलत हूं तो थोड़ा सुधार देना, 25% बच रहे होंगे भाई। सबकी नजर दूसरे के धन पे, अपने ते पेट ना भर रहो, एकाए बैठे चौ के घर में सब कुछ है जाए तो हमें मिल जाए। चोरी, बेईमानी, झूठ, सांप, ये सब किसके लिए? बोले सिर्फ धन के लिए। लेकिन धन ही हमारा स्वर्ग का मार्ग है क्या? क्या धन ही हमें स्वर्ग ले जाएगा क्या? धन्य है वो लोग, एक समय की रोटी नहीं खाएंगे लेकिन किसी के दूसरे के धन पर अपनी नजर नहीं टिकाएंगे, वो धन्य है, वो धन्य है, वो श्रेष्ठ है। उन्होंने सही माने में जीवन की दिनचर्या को समझा है, जीवन के नियम को। आपने सुना होगा हमारे पूर्वज भी हमसे एक दो पीढ़ी पहले के लोग कहते थे, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, लेकिन चोरी की, रिश्वत की रोटी मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा खाने के लिए, नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाए। कहते थे कि नहीं? आप लोग थोड़े सीनियर लोग बताएं, कहते थे कि नहीं? आज इस बात को आप सुनते हो किसी के मुंह से? आज अगर कोई ये बात कह दे, अरे जाओ जाओ अपने प्रवचन अपने पास में रखो, कौन देखा है परलोक? पहले खाओ, कमाओ, मकान बनाओ, गाड़ी लंबी लाओ, मोबाइल आईफोन ही होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, दो चार गुंडे रखो इधर उधर घूमने के लिए। कौन है? बोले सेठ जी जा रहे हैं। सेठ जी मतलब शाह जी, धनवान। सेठ जी का मतलब सिर्फ वैसी मत समझना प्लीज, जो धनवान हो जाए फिर बड़े हो जाए फिर वो अल्लाह करे, लेकिन उसका कोई धन कमाने का बेहद सुंदर ना हो तो ऐसे धनवान होने से कोई लाभ नहीं। आज इस बात को कोई कहेगा नहीं कि मैं बेईमानी की संपत्ति अपने बच्चों को नीला के दूंगा, नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन चरित्र बर्बाद हो जाएगा, आज कोई नहीं कह सकता। सबका फोकस, अब बेटी के लिए बेटा ढूंढने जाओ तो पूछो, हाँ जी कितना बेटा कितना कमाता है, कितना कमाता है? बोले जी 50,000।